एक एक्टिव नंबर कॉल करता है और वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है। ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी रिक्वेस्ट के बाद क्राइम सेल ने मेरे से नंबर ले लिया है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है फिर से। और आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज आपको मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो सुबह सुबह मेरे साथ हुआ है। ये एक सतर्क रहने वाला मैसेज है जो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपको कोई सडनली कॉल आता है या कोई आपके साथ साइबर क्राइम करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है और आप लोग भी इससे कैसे बच सकते हैं। सुबह के 9 बजे हैं और आपके पास आता है कॉल बैंक से कि आपके आधार कार्ड में कुछ दिक्कत हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी सारी ट्रांजेक्शन रुक चुकी है। जी, बैंक से आपको कॉल किया गया था, आपका जो अकाउंट चलता है ना। मेरा अकाउंट, हाँ, वो आपका वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण अकाउंट आपका क्लोज कर दिया गया है सर, आज की डेट में। ओके ओके ओके, क्या वेरिफिकेशन करवाना है मुझे? उसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए सर आपका आधार डिटेल आपने बैंक में जो सबमिट किया था ना, हाँ हाँ, उसमें आपका कुछ मतलब प्रॉब्लम आया है जिसके कारण वो आधार डिटेल आपका फिर से लगेगा सर। ओके ओके ओके। माइंड सडनली ये सोचता है कि यार मेरे बैंक में ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि मेरी सारी ट्रांजेक्शन रुक चुकी है, और उस समय आपके दिमाग में कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करें। आप उस बंदे को अपनी सारी डिटेल देने लगते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई ये सब सारी कॉल्स फ्रॉड होती हैं, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी मेरी सारी डिटेल्स हैं। आपको वेरिफिकेशन के लिए सर आपका आधार डिटेल आपने बैंक में जो सबमिट किया था ना, हाँ हाँ, उसमें आपका कुछ मतलब प्रॉब्लम आया है जिसके कारण वो आधार डिटेल आपका फिर से लगेगा सर। ओके ओके ओके। आधार कार्ड अभी आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। जी जी, आधार को बताइए आपका। जी, कैसे बंद हो गया भैया? वो आपका आधार डिटेल सबमिट करने से आपका चालू हो जाएगा सर। ओके, 7733 जो कॉल मेरे पास आया वो नंबर अभी भी एक्टिव है, क्योंकि मैंने उसके बाद भी उसमें कॉल करने की कोशिश की तो रिंग जा रही थी और उस बंदे ने मेरा फ़ोन दोबारा मिलाया है। तो इस टाइम पे आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा अगर आपके पास फ्रॉड हो चुका है या बंदा आपके उसमें एक्सेस कर चुका है, क्योंकि आगे जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका फ़ोन वो कॉपी कर लेगा। आपको बोलेगा कि ये बैंक की एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करते ही उसके बाद आपका एक्सेस चले जाएगा फ़ोन का। मुझे तो पता था उसके बारे में, तो आपको आगे पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। और इससे पहले जो मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था वो था एक ABC की कॉल, जो मैंने ऑलरेडी अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है ना, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और अपने आप को सतर्क कर सकते हैं ताकि आपके साथ ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। आप सर बैंक का कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं क्या, फ़ोन पे, गूगल पे? हाँ, यूज़ करता हूँ मैं। हाँ, कौन सा यूज़ करते हैं? मैं गूगल पे यूज करता हूँ। ठीक है सर, आपका हो जाएगा। आपका ये बड़ा फोन है या छोटा फोन है सर? बड़ा फोन है। जी जी, आपका जो प्ले स्टोर है ना, जहाँ से आप कुछ गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिए AnyDesk, ये बैंक का एप्लीकेशन है, लिंक एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। ओके, अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम है इसका? AnyDesk, AnyDesk। ओके, क्या होगा इससे? बैंक का एप्लीकेशन है ये? हाँ, बैंक का एप्लीकेशन है सर। AnyDesk एक रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम ऑटोमेटिकली एक्सेस करके उसकी कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसमें एक्सेस ले सकते हैं। तो मुझे कॉल आता है इस फ्रॉड से और ये मुझे बोलता है कि कुछ नियुक्ति के कारण आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका क्लोज कर दिया गया है। तो बेसिकली ये हो सकता है कि मतलब वो मुझे बोलना चाह रहा है कि यार मेरा अकाउंट क्लोज हो चुका है, ताकि मैं घबरा जाऊं और घबराते उसको मैं कुछ डिटेल दे दूं। है फ्रॉड के केस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और एक एक्टिव नंबर कॉल करता है और वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है। जब हम ये बात क्राइम सेल को बताते हैं, जो साइबर क्राइम का नंबर है, तो उस जगह पर हमें एक रिस्पॉन्स आता है कि सर आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कीजिए, उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन निकल सकता है। यार एक बात बताओ कि जिस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इमीडिएटली आप उसको ट्रेस कर सकते हो, इमीडिएटली आप उससे बात कर सकते हो, उसके लिए इतना वेट करने की ज़रूरत क्या है? एक बंदा फ्रॉड कर रहा है अभी, उसका नंबर अभी एक्टिव है, वो आज की डेट में 100 बंदों को कॉल करेगा, उन 100 बंदों में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो उनकी जाल में फंस जाएगा। नंबर एक्टिव था, नंबर एक्टिव है, मेरी बात हुई है, मैंने साइबर क्राइम में कॉल किया है, उनको बोला है कि सर इस नंबर पर आप कॉल कीजिए एटलीस्ट,
और इस नंबर पे आप बात करने की कोशिश की ताकि ये और बंदों के साथ फ्रॉड ना कर सके। नमस्कार, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरे पास एक फ्रॉड कॉल आया है परसों। मेरा नाम नवीन नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। क्या फ्रॉड बोल रहे हैं सर? उस बंदे का कॉल आता मेरे पास और वो नंबर अभी भी एक्टिव है और उस बंदे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास सर। उस बंदे ने क्या किया कि वो बोला कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आपकी मुझे आधार कार्ड की डिटेल चाहिए। फिर मुझे बोलता है कि सर आप इसमें एनीडेस्क का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए जो बैंक का सॉफ्टवेयर है। तो सर ये एक फ्रॉड कॉल है जो मेरे पास आया है अभी और सर अगर आप इसको ट्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं सर, अगर क्योंकि ये बंदा और के साथ ही फ्रॉड कर सकता है। इसकी कंप्लेंट देखिए आपको ऑनलाइन सर। ऑनलाइन मेरे पास जो रिप्लाई आता है वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड रिप्लाई है जो मैं उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जो चीज़ पॉसिबल है वो चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए। अगर उस टाइम पे जो भी क्राइम सेल में बैठे हैं उन्होंने अगर मुझसे बोला होता कि आप एक बार वो नंबर बताइए हम उस पर कॉल करते हैं अगर वो नंबर कर रहा है, क्योंकि यार देखो टाइम होता है, ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस टाइम पे अगर उस बंदे को हम रोक सकते तो क्या पता वो और आगे कॉल ना कर पाए, है ना। एक एक्टिव नंबर अभी देखो कोई बंदा साइबर क्राइम रिपोर्ट नहीं करता क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये जो नंबर अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऑलरेडी ये एक्टिव नंबर है। अगर कोई भी बंदा ऑफिशियल इसको देख रहा है तो कृपया करके इस नंबर को आप ब्लॉक कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुना चुका हूँ ऑलरेडी। और साइबर क्राइम से भी रिक्वेस्ट है कि किसी बंदे की अगर कोई दिक्कत हो चुकी है तो आप उसको एक बार कॉल करके तो देखिए उस बंदे को कि एटलीस्ट वो ये क्यों कर रहा है और किसी के जो हार्ड अर्न मनी है उसको क्यों लेना चाहता है वो? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अगर थोड़ा एक्टिव होकर ये चीज़ को सॉल्व करेगी तो ये सारे क्राइम रुक सकते हैं। और बहुत सारे बंदे इस चीज़ का फ्रॉड हो चुके हैं पर उनको कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ये रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से भी और जो भी साइबर क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं कि कोई भी एक्टिव अगर केस आपके पास आता है इन सब चीज़ों का तो आप उस पर प्लीज़ एक्शन लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई हर कोई बंदा ऑनलाइन कंप्लेंट करना नहीं जानता। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अगर आपके यहाँ कोई वर्बल कंप्लेंट आ रही है तो आप उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, इससे बहुत सारे क्राइम रुकेंगे और जो इन लोगों को आज़ादी से कॉल करने की जो हिम्मत आ रही है वो सारे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस अभी मैं दोबारा से उसको कॉल कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वो नंबर अभी भी एक्टिव है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। थोड़ी रिक्वेस्ट के बाद क्राइम सेल ने मेरे से नंबर ले लिया है और होपफुली मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया होगा। यानी मैं आपको वो नंबर शेयर करना चाहता हूँ बस ताकि आप उसको रोक दें। नंबर खाली उस पे ऑनलाइन ही कर सकते हो, वैसे नहीं कर। सर एक कॉल तो कर दीजिए अपने एंड से उसको। किसको? वो जो बंदा एक्टिव है अभी। क्या नंबर है? एक मिनट सर। 7033624832 हाँ सर। वीडियो बनाने का मेन मोटो ये था कि ताकि किसी और के साथ ये फ्रॉड ना हो, आप किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई बैंक डिटेल्स कुछ भी शेयर ना करें, कोई OTP आए वो भी शेयर ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।